हेलो गाइस, वेलकम बैक आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। आप ये भी कह सकते हो कि इजी ट्रिक बाय द केमिस्ट्री पॉइंट, ठीक है। तो वेलकम बैक, आप सब कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। उससे पहले मैंने बच्चों आपको ओवरलैपिंग कैसे होती है, ओवरलैपिंग कितने टाइप की होती हैं, ठीक है, वो सब बातें मैंने आपको पार्ट नंबर 14 के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको, अगर नहीं आता है तो थोड़ा बेसिक मैं आपको बता दूंगा कि ओवरलैपिंग एक्चुअली मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है। तो ओवरलैपिंग को पढ़ने से पहले या हाइब्रिडाइजेशंस को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो और उसका बेल आइकन दबाओ, ठीक है। अधिक से अधिक आप वीडियो को शेयर करो ताकि आपके रिश्तेदार या मतलब दोस्त वगैरह जो भी हो, अगर उनको दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को देखने से उनकी प्रॉब्लम जो होगी वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों, ओवरलैपिंग कंसेप्ट इज़ एप्लीकेबल फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जो भी हमारा ओवरलैपिंग होता है, जो कंसेप्ट होता है हमारा ओवरलैपिंग का, वो कहाँ एप्लीकेबल होगा, जहाँ जिसके अंदर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, ठीक है। लाइक जैसे हमारा H2 हो गया, O2 होगा, N2 होगा, F2 होगा, Cl2 होगा, Br2 होगा, I2 होगा, HCl होगा और HF होगा और HBr होगा, NETC, ठीक है। इस कंसेप्ट में हमारा जो ओवरलैपिंग कंसेप्ट होगा वो इन्हीं के द्वारा ही एप्लीकेबल होगा डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देन आप कह दोगे कि सर कुछ एलिमेंट्स में या कुछ मॉलिक्यूल अगर CH4 होगा या NH3 होगा या H2 होगा, क्या उसके अंदर ओवरलैपिंग कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं करेगा? आप ये पूछ सकते हो, क्या हम दो ही एटॉमिक डायटॉमिक मॉलिक्यूल के ऊपर ही ओवरलैपिंग कंसेप्ट लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हो बच्चों इसके ऊपर। नाउ हम जो बात कर रहे हैं CH4 NH3 की, वो कैसा केस होता है बच्चों? बट इन केसेस पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक जैसे CH4 NH3 H2O ETC, ठीक है, दिस कंसेप्ट इज़ ए नॉट गुड। मतलब जब हम ओवरलैपिंग कंसेप्ट पढ़ेंगे या ओवरलैपिंग करना सीखेंगे, ठीक है, उसके अंदर बच्चों ये दो एटॉमिक वाला मॉलिक्यूल रिसर्च किया गया होगा, ठीक है। जो हमारा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा वो इसके ओवरलैपिंग के अंदर कंसेप्ट अच्छा नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चों इस पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर इस CH4 मतलब मीथेन के मॉलिक्यूल चार होते हैं, चार है ना टोटल। तो ओवरलैप हमें जो इसका एंगल मिलेगा, मतलब वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर, उसके जो एंगल होंगे वो सभी क्या होंगे, 90 डिग्री पर होंगे, ठीक है। इसके चार एंगल होंगे, इसके 3 होंगे, इसके 2 होंगे, मतलब वो क्या होगा कि उसके जो एंगल होंगे ना वो अलग अलग होंगे। मतलब ये कितने एंगल पर पाया जाता है, ये 109 डिग्री सेल्सियस पर पाया गया है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स इसको कहेंगे। जो हमारा ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट होता है, जो एप्लीकेशन होगा, वो हमारा डायटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर पाया गया है, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं हम बच्चों हाइब्रिडाइजेशंस को हम सीखेंगे कैसे। एक्चुअली होता क्या है, ये बाय पॉलिंग द्वारा रिसर्च किया गया है। कई बुक में और भी नाम दे रखे हैं और भी इसको कुछ अलग अलग नाम से बोला जाता है, बट होता तो पी से ही स्टार्ट है बच्चों, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशंस बच्चों इट इज़ एन इमेजिनरी कंसेप्ट होता है इसके अंदर। इट वाज ए प्रोसेस ओनली टू एक्सप्लेन टू द फॉर्मेशंस ऑफ बॉन्ड इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस को समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशंस के अंदर एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। तो इट इज़ द इंटरमिक्सन ऑफ द ऑर्बिटल, मतलब इसके अंदर इंटरमिक्सन किसका हो रहा है, ऑर्बिटल्स का हो रहा है, ठीक है, ऑफ द सेंट्रल एटम। और उस मिक्सिंग को हम क्या बोलेंगे, किसका बीच का सेंटर होता है, सेंटर ऑफ आइटम का, ठीक है। विच हैव द डिफरेंट शेप्स एंड ऑलमोस्ट कंपेरेबल एनर्जी टू फॉर्म ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स टू इक्वल शेप साइज एंड एनर्जी हंस और कॉल्ड द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दैट इज क्लियर बच्चों, डेफिनेशंस आपको समझ में आई, ठीक है।
एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मतलब इट इज़ द इंटरमिक्सेंस ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम, ठीक है, विच हैव द डिफरेंस, इसके अंदर क्या होनी चाहिए, डिफरेंस शेप्स एंड ऑलमोस्ट कंपेरेबल एनर्जी टू फॉर्म, ठीक है, न्यू ऑर्बिटल ऑफ इक्वल शेप्स साइज एंड एनर्जी हंस आर कॉल टू द हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, दैट इज क्लियर बच्चों, इतना आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे हम इसके बच्चों शेप्स के बारे में डिफाइन करेंगे। एक बात और है बच्चों, क्या जो हाइब्रिडाइजेशंस जो होता है बच्चों, ये क्या आइसोलेटिक के फॉर्म में होता है या नहीं होता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आगे। बच्चों आगे हम इसकी शेप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है वो हम सीखेंगे। बच्चों हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप आपको इस तरह मिलेगी, मतलब एक तो हमारा छोटू सा और एक उसका मोटू सा, ठीक है, तो आई ए हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये इसकी शेप होती है। छोटू वाले में बच्चों हमेशा नेगेटिव आता है और बड़े वाले में हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो आप कहीं भी देखोगे तो वहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप आपको ऐसी नज़र आएगी, ठीक है। अब बच्चों हाइब्रिडाइजेशंस की हम कुछ कंडीशंस को फॉलो करेंगे, कुछ फीचर के बारे में आपको मैं आपको बताऊंगा इजी ट्रिक के अनुसार। तो फर्स्ट जो हमारी कंडीशन होती है बच्चों वो क्या होती है कि ऑर्बिटल हैविंग ऑलमोस्ट सेम एनर्जी कैन ओनली अंडरगोज टू द हाइब्रिडाइजेशंस, मतलब ऐसा ऑर्बिटल होना चाहिए जिसके अंदर ओनली क्या होनी चाहिए, सेम एनर्जी का ऑर्बिटल होना चाहिए, उसके अंदर ही हमारा हाइब्रिडाइजेशंस उपलब्ध हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए बच्चों आपके पास कोई, हम जब ओवरलैपिंग करना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे बोलते हैं कि 3s 3p 3k 3p के बाद आता है बच्चों 4s 4p के बाद आता है बच्चों 3d और उसके 3d के बाद आता है बच्चों 4p, ठीक है। ये तीनों तो बच्चों, ये और ये वाला तो बच्चों एक ही सेल में है, मतलब n इज इक्वल टू 3 के सेल में है, और ये बच्चों एक सेल में है, मतलब फोर एन इज इक्वल टू 4 सेल के। तो बात आती है बच्चों, क्या माने ओवरलैपिंग करने के लिए 4s को चुन लिया, ठीक है, 4s के बाद आता है 4p, ठीक है, क्या इस वाले के अंदर क्या सेम एनर्जी मिलेगी, मतलब मान लो इसके पास 10 रुपये हैं और इसके पास बच्चों 15 रुपये हैं, क्या इसके पास कुछ ना कुछ तो पाएगा, मैंने मान लिया इसके पास 13 है, मतलब हो गई ना टोटल एनर्जी। ऐसे काफ़ी बच्चों में दिक्कत आती है कि अगर हम ओवरलैपिंग करेंगे तो 4s 4p की ही ओवरलैपिंग करेंगे, नहीं बच्चों उसके अंदर हमें 3d की भी ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 4s और 4p के बीच वाली एनर्जी है, मतलब इसके पास भी कुछ ना कुछ खजाना पाएगा, इसके पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी पाएगी, है ना। तो n इज इक्वल टू 3, मतलब 3s 3p 3d ये एक सेल में आ गए, ठीक है। मान लीजिए n इज इक्वल टू 4, मैं इस सेल का काम कर रहा हूँ, मतलब इस सेल में मैं ओवरलैपिंग करूँगा, ठीक है। क्या बात आती है, क्या 3d में ओवरलैपिंग हो पाएगी 4s और 4p, मतलब इसके पास 10 है तो इसके पास 15 है, तो इसके पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी पाएगी, बिल्कुल पाएगी। तो बच्चों 4s के बाद 4p और 4p के बाद बच्चों 3d, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ एनर्जी पाएगी। तो ये कुछ बच्चों की दिक्कत थी जो मैंने आज सॉल्व कर दी है, ठीक है। जब आप और 12th में कोऑर्डिनेशंस का चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ बच्चों बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा आपको, ठीक है। तो आप कभी भी मत सोचना कि 3s 3p और 3d के बीच में जो हम ओवरलैपिंग करेंगे तो 4s की ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, बच्चों बिल्कुल हो पाएगी, ठीक है। 4s और 4p के बीच में जो ओवरलैपिंग हम करेंगे तो 3d की भी ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आइदर ऑफ वैलेंस सेल्स, मतलब n और may बिलोंग्स टू द n माइनस सेल इज पेनल्टी मेट सेल, ठीक है। पेनल्टी मेट सेल मतलब इसके अंदर वाला सेल, दैट इज़ क्लियर। मेरी फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो चुकी है, अब आगे चलते हैं सेकंड कंडीशन पर। सेकंड हमारी कंडीशन है बच्चों, ऑर्बिटल मस्ट बी ऑफ सेंट्रल ओनली बिलोंग्स टू द ओनली वन एटम, मतलब ये कह रहा है कि जो भी हमारा ऑर्बिटल होगा सेंट्रल पर उसी को ही हम
बिलोंग्स टू द ओनली वन आइटम माना जाएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते, मतलब ये मेरा एक सेंट्रल पॉइंट हो गया, ठीक है। आप कहोगे मैं यहाँ से भी कार्बन ले आऊँ और यहाँ से हाइड्रोजन ले आऊँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर सेंट्रल आइटम कार्बन है तो बच्चों इन दोनों तरफ से भी कार्बन अपने ओवरलैपिंग कर पाएंगे, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो ऑर्बिटल मस्ट बी ऑफ द सेंट्रल ओनली बिलोंग्स टू द ओनली वन आइटम, मतलब एक ही आइटम सेंट्रल पर अपना ओवरलैपिंग कर सकता है, ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट है बच्चों, द नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मर, मतलब ये कह रहा है कि अगर जितने एटॉमिक नंबर ओवरलैपिंग करने जाएंगे, ठीक है, मान लो ये तीन ऑर्बिटल पहले के ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर गए, ठीक है, जितने गए और उतने ही बच्चों वापिस नए बनकर आएंगे, मतलब तीन गए हैं तो तीन ही ऑर्बिटल बन के आएंगे, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ए फॉर्मेट, ठीक है। तो क्या है कि नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेट, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि भाई मैंने आपको 100 रुपये दिए हैं तो मैं 100 रुपये ही लूँगा, 99 रुपये आपसे नहीं लूँगा, ठीक है, इसका मतलब ये है, मतलब जितने ऑर्बिटल आएंगे और उतने ही ऑर्बिटल जाएंगे, मतलब जितने ऑर्बिटल आए हैं उतने नए बनकर बाहर आएंगे, ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट। जो फोर्थ हमारी कंडीशन है, ऑल द न्यूली फॉर्मेड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव द सेम एनर्जी स्पेस एंड एनर्जी साइज और शेप, ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि जो भी हमारा ऑर्बिटल होगा, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसकी जो होनी चाहिए सेम तो एनर्जी होनी चाहिए, सेम ही साइज होना चाहिए और सेम ही शेप होना चाहिए, तब जाके हमारा हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। फिफ्थ हमारी कंडीशन रहेगी बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन डू नॉट रिकॉर्ड द एग्जिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब जो हमारा आइटम होता है ना बच्चों, उसको ना बिना इलेक्ट्रॉन मतलब एग्जिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती ओवरलैपिंग को कंप्लीट करने के लिए, बिना इलेक्ट्रॉन से भी अपना हाइब्रिडाइजेशन को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। सिक्स्थ हमारा कंडीशन रहेगी बच्चों, हैज़ द इलेक्ट्रॉन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द न्यूली फॉर्मेड हाइब्रिड ऑर्बिटल, द हाइब्रिड्स ऑर्बिटल विल रिपल, वो रिपल करेगा इच अदर द ऑक्यूपाई स्पेस एंड सराउंडिंग विद मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिपल्सन्स, हैंस द गेन और मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। ये मेरा फोर एग्जाम्पल है बच्चों, बी ई का एटोमिक नंबर 4 होता है, ये मेरा 2s हो गया, ये हमारा 2px हो गया, 2py एंड 2pz। इस कंडीशंस को समझाने से पहले बच्चों मैं आपको सेवंथ कंडीशन समझाऊंगा, ताकि ये दोनों आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो सेवंथ कंडीशंस क्या कहती है कि ऑर्बिटल दैट आर द फुली फील्ड और हाफ फील्ड कैन बी ओनली अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन एम्प्टी ऑर्बिटल डू नॉट, ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि जो भी हमारा ऑर्बिटल है ना वो फुली फील होना चाहिए, ठीक है, अगर हाफ भी भरा होगा तो भी हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट होगी, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ ये भरना चाहिए, अगर ये बिल्कुल खाली होगा तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, अगर फुल भरा होगा तो भी ये हाइब्रिडाइजेशन को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, हाफ भरा होगा तो भी ये हाइब्रिडाइजेशन को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। सेवंथ एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों, सेवंथ कंडीशंस की बात करते हैं बच्चों, अगर ये 2s और 2px अगर दो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं तो ये आगे जाके बच्चों अपना इधर हाइब्रिडाइजेशन बना सकते हैं, मतलब इसको भी फिल कर सकते हैं, तो एक ये कंडीशन हो गई। सेकंड हमारी कंडीशन ये हो जाएगी, मतलब न्यू हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा, ठीक है, इसके अंदर भी एक भरा हुआ है, इसके अंदर भी एक भरा हुआ है, ठीक है, इसको भी हम sp नाम देंगे और इसको भी हम दोनों sp नाम देंगे। तो एक्चुअली ये क्या कहना चाहता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल विल रिपल ईच अदर एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज सराउंडिंग विद द मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस, ये दोनों क्या करेंगे आपस में रिपल कर लेंगे, ठीक है, मतलब रिपल कर लेंगे तो एक ऐसा हाइब्रिड बनाएंगे, ऐसा एक में नेगेटिव हो जाएगा और इसमें पॉजिटिव, इसको मैंने sp नाम दे दिया,
ठीक है, सेकंड वाला भी बिल्कुल इसके अपोजिट होगा, एक ऐसे हो जाएगा एक ऐसे, मतलब यहाँ नेगेटिव आ गया यहाँ पॉजिटिव आ गया, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन फील कर दिया गया, इसका नाम भी sp रखा दिया। तो बच्चों इसका हम जो बीच का एंगल नापेंगे तो इस दोनों का एंगल 180 डिग्री पर पाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस करेंगे, ठीक है, हंस टू द गेन इज अ मोर स्टेबिलिटी। ओके, इतना क्लियर हुआ आपको, समझ आया। कंडीशन रहेगी बच्चों हमारी हाइब्रिडाइजेशन ओनली फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड। बच्चों हाइब्रिडाइजेशन ओनली सिग्मा बॉन्ड के लिए अप्लाई करना होगा, ना कि हम पाई बॉन्ड के लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है। अगर पाई बॉन्ड होगा तो बच्चों वहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाएगी। हाइब्रिडाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें केवल सिग्मा बॉन्ड को ही अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो नेवर यूज्ड फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशंस, ठीक है, हम पाई बॉन्ड का यूज़ नहीं कर सकते हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो इसका यूज़ कहाँ होगा, तो हंस फॉर द पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग इज रिक्वायर्ड टू द PP ओवरलैपिंग। मतलब पाई बॉन्ड का हम यूज़ कर पाएंगे बच्चों PP ओवरलैपिंग के लिए, ठीक है। पाई बॉन्ड का हम हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं ओवरलैपिंग को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो नाइन्थ हमारा कंडीशन है कि बॉन्ड फॉर्मेट बाय द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर आल्सो स्ट्रॉन्गर स्टेबल देन द बॉन्ड फॉर्मेट द एटॉमिक ऑर्बिटल। बच्चों जो भी हमारा बॉन्ड्स होगा ना वो कैसा होना चाहिए, ऑलवेज स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, तब जाके हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल तैयार होगा, तब जाके हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के तैयार होगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का लास्ट हमारा कंडीशन है बच्चों, इफ़ द हाइब्रिड हैव द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द जियोमेट्रिक गैस क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, ठीक है। ओके बच्चों, इतना आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। ये थी बच्चों हमारी हाइब्रिडाइजेशन की 10 कंडीशन, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ओके स्टूडेंट्स।